और उधर चुनाव आयोग ने भी निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए कमर कस ली है। वोटिंग लिस्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है और प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी राधा रतूड़ी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सोनू सिंह ने। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राज्य की मुख्य निर्वाचन अधिकारी राधा रतूड़ी जी। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो शुरुआत हो गई है, अब घोषणा हो गई है, मुख्य फोकस अब आयोग का क्या रहने वाला है? चुनाव की घोषणा के बाद अब मुख्य फोकस ये है कि जो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, आदर्श आचार संहिता, उसका बिल्कुल कड़ाई से पालन किया जाए। डिस्ट्रिक्ट की टीम्स एक्टिव हो गई हैं, सारे पोस्टर बैनर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने लगाए थे वो सब हटाए जा रहे हैं। रात में भी काम चला है, हम लोगों के पास काफ़ी फोटोग्राफ्स भी आ गई हैं सभी ज़िलों से कि इसमें बहुत तेज़ी से काम हुआ है। इसके अलावा जो भी ट्रेनिंग देनी है ज़िला स्तर पर कर्मचारियों को, अलग अलग स्तरों पर ट्रेनिंग, वो भी शुरू हो गई है। वीवीपैट जो एक नई मशीन आई है, इस बार प्रदेश में 4 विधानसभा क्षेत्रों में उसको पायलट यूज़ किया जाएगा, उसकी भी ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है। और जो भी मटेरियल है वो सब प्रोक्योर करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। अब हम लोगों को पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी कुछ ट्रेनिंग्स करानी है, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टी को जो खर्चा करना है और किस प्रकार से उनको अपना खाता मेंटेन करना है, इस पे चुनाव आयोग बहुत स्ट्रिक्ट है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ की ट्रेनिंग भी अगले 2-3 दिन में हम लोग शुरू कर देंगे। सुरक्षा को लेकर के आप लोग केंद्र से क्या सहयोग मांग रहे हैं और यहाँ पर किस तरीके से व्यवस्थाएँ दुरुस्त कर रहे हैं? सुरक्षा के लिए केंद्र से सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की डिमांड की गई है और अभी उम्मीद है कि बहुत शीघ्र चुनाव आयोग हम लोगों की डिमांड के हिसाब से केंद्रीय बल अलॉट कर देगा। इसके अलावा जो पुलिस फोर्स है, राज्य का अपना पुलिस फोर्स, उनकी ट्रेनिंग अभी एक स्टेट लेवल ट्रेनिंग होगी, उसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट में कॉन्स्टेबल स्तर तक की भी ट्रेनिंग होगी। और जो चुनाव आयोग की ट्रांसफ़र पॉलिसी थी उसके हिसाब से सभी अधिकारियों का ट्रांसफ़र हो गया है, जिनको 3 साल हो गए थे या अपने होम डिस्ट्रिक्ट में थे या पिछले चुनाव में अगर किसी क्षेत्र में रहे हैं तो उनको, उन सबको हटा दिया गया है। मतदाता सूची का काम अब फाइनल स्टेजेस में है और 10 जनवरी को अंतिम प्रकाशन होना है, फाइनल पब्लिकेशन वोटर लिस्ट का। जो मतदाता सूची का ड्राफ्ट पब्लिकेशन 1 अक्टूबर 2016 को हुआ था, वो अब उसमें नए मतदाताओं के नाम जुड़ गए हैं। जब 1 अक्टूबर को जो मतदाता सूची पब्लिश हुई थी उसमें 73,81,000 मतदाता पूरे प्रदेश में हैं और इसमें उम्मीद है कि लगभग 1,00,000 मतदाता इस स्पेशल समरी रिवीजन में जुड़ जाएंगे, तो फाइनल फिगर आपको 10 जनवरी 2017 को मिल जाएगा। इसके बाद भी अगर कोई मतदाता छूट गया है तो अभी भी आपके पास मौका है, 17 जनवरी लास्ट डेट है। 17 जनवरी के पहले अगर आप अपना फॉर्म 6 भर के दे देंगे तो आपका चुनाव के पहले नाम जोड़ लिया जाएगा। कुल जो 70 विधानसभा में से 43 विधानसभाओं को हम लोगों ने कैटेगराइज किया है संवेदनशीलता के आधार पे। इसकी अलग अलग कारण हैं, जो चुनाव आयोग ने कुछ हम लोगों को गाइडलाइंस दिए थे, कहीं बहुत अधिक राजनीतिक प्रतिद्वंदिता कारण हो सकता है, कहीं मिक्स्ड पॉपुलेशन मिश्रित आबादी वाले क्षेत्र हैं, जो उत्तर प्रदेश के संवेदनशील क्षेत्रों से बॉर्डर जहां पे उत्तराखंड का लगता है, वो बॉर्डर में जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज आ रही हैं वो सब संवेदनशील हैं। विशेष रूप से हम लोगों का जो क्षेत्र हरिद्वार जनपद और ऊधम सिंह नगर जनपद, ये दोनों जनपद के सभी विधानसभा क्षेत्र जो हैं उनको संवेदनशील हम लोगों ने कैटेगराइज किया। देहरादून से अपने सहयोगी कैमरामैन गोविंद के साथ सोनू सिंह, इंडिया 24/7।